नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भोलेनाथ की नगरी में आज सियासी बहार है। काशी के रण से जुड़ी आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरें। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का शक्ति प्रदर्शन, 3 दिन के चुनाव प्रचार का किया आगाज, चुनावी रैलियों की तैयारी। वाराणसी के काशी विद्यापीठ में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम, टाउन हॉल मीटिंग में लोगों से करेंगे बातचीत। अपने कार्यक्रम को लेकर काशी विद्यापीठ पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री का किया गया शानदार स्वागत। पीएम के कार्यक्रम को लेकर काशी विद्यापीठ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, किले में तब्दील हुआ काशी विद्यापीठ, करीब 1.5 घंटे तक काशी विद्यापीठ में रुकने का है कार्यक्रम। बीएचयू गेट से शुरू हुआ पीएम मोदी का रोड शो, यात्रा शुरू करने से पहले मालवीय जी की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। पीएम मोदी के रोड शो में भारी भीड़, खुली गाड़ी में लोगों के बीच से गुजरे पीएम। वाराणसी में फिर गूंजा हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा, जगह जगह समर्थकों ने बरसाए फूल। रोड शो में भारी भीड़ से पुलिस और एसपीजी के छूटे पसीने, भीड़ संभालने में हुई काफी मुश्किल। 80 घाट पर पीएम मोदी के रोड शो में आमने सामने आए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक, पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इससे पहले बीएचयू हेलीपैड पर पीएम मोदी ने किया पीएम का स्वागत। प्रधानमंत्री को दिन भर के कार्यक्रम को लेकर भी साझा की जानकारी। रोड शो में आए समर्थकों का पीएम ने अपने ही अंदाज में किया अभिवादन, फूल बरसाकर लोगों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने 51 लीटर दूध से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया, ज्योतिर्लिंग की पूजा की। वाराणसी में रोड शो के दौरान पीएम ने विधायक श्यामदेव राय चौधरी को दिया सम्मान, नाराजगी दूर करने के लिए हाथ पकड़ कर ले गए विश्वनाथ मंदिर। विधायक श्यामदेव राय ने यूपी चुनाव में अपने टिकट काटे जाने को बताया था दुर्भाग्यपूर्ण, अपने क्षेत्र में 7 बार के विधायक रहे हैं श्यामदेव। विश्वनाथ मंदिर के गेट के पास बिल्डिंग पर लगे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बैनर हटवाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने समर्थकों को हटाया। पीएम मोदी के रोड शो में बीजेपी समर्थकों ने किया डांस, होली से पहले खेली रंगों और फूलों की होली। काशी विश्वनाथ के बाद पीएम मोदी ने किए काल भैरव के दर्शन, काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। पीएम के भैरवनाथ दर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने सीएम के स्वागत में लगा स्वागत मंच हटाया, समाजवादी पार्टी का आरोप, जानबूझकर प्रशासन कर रहा है बदमाशी। पीएम के रोड शो में मुस्लिम समुदाय के लोग भी पीछे नहीं, मदनपुरा इलाके में पीएम का किया गया स्वागत। 12 किलोमीटर लंबे पीएम के रोड शो में पार्टी कार्यकर्ताओं का लंबा कारवां, रविदास गेट, मदनपुरा, 80 मोहल्ला, सुरारपुरा, गुदौलिया इलाके से गुजरे मोदी। पीएम के रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, रोड शो के रूट पर सुरक्षा में ड्रोन कैमरे भी लगाए गए। पीएम के रोड शो में शामिल हुए हजारों पीएम के समर्थक, समर्थकों ने पीएम मोदी का मुखौटा लगाकर वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए उनके ही रंग में रंगे नजर आए समर्थक, मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के हमशक्ल भी पहुंचे। पीएम का रोड शो करीब 3.5 घंटे तक चला, बीजेपी के टॉप नेता वहां रहे मौजूद। पीएम मोदी के 3 दिन के वाराणसी दौरे पर उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का जमावड़ा, 11 केंद्रीय मंत्री वाराणसी में मौजूद। पीएम के रोड शो पर समाजवादी पार्टी ने साधा निशाना, नरेश अग्रवाल ने कहा बीजेपी को हो गया है हार का एहसास, तभी प्रधानमंत्री ने डाला है वाराणसी में डेरा। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा हार के डर से घबरा गई है बीजेपी, इसलिए खुद पीएम को संभालनी पड़ी है कमान। कांग्रेस ने वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम की आलोचना की, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की नहीं दी गई अनुमति। वाराणसी में पीएम के रोड शो को समाजवादी पार्टी ने बताया चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन, कहा बीजेपी संवैधानिक हक का कर रही है दुरुपयोग। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी ने आचार संहिता के खिलाफ किया रोड शो। वाराणसी में पीएम के रोड शो की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बिना इजाजत रोड शो करने पर कार्रवाई की मांग। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने पीएम मोदी की जमकर की तारीफ, बोले आम लोगों के लिए पीएम का संकल्प उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। फरवरी में 2 बार स्थगित किए जाने के बाद मार्च में आयोजित हो पाया पीएम का रोड शो, एसपीजी की सलाह के बाद रोड शो का 10 किलोमीटर लंबा रास्ता किया गया तैयार। यूपी में आखिरी चरण की वोटिंग के लिए वाराणसी में कल भी पीएम मोदी का चुनावी रण, कल भी करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। जौनपुर में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मुझे बहुमत दे तो 2022 में दूंगा अपना हिसाब। समाजवादी पार्टी के चुनावी नारे पर पीएम का तंज, कहा काम नहीं बोलते हैं कारनामे, सवाल उठाने पर लगी मिर्ची। जौनपुर में पीएम की रैली के दौरान युवक खंभे पर चढ़ा, पीएम ने युवक से नीचे उतरने के लिए कहा। जौनपुर में पीएम ने यूपी में बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा 11 मार्च को बीजेपी बनाएगी यूपी में सरकार। जौनपुर में पीएम मोदी किसानों से
वादा करना नहीं भूले, कहा बीजेपी की सरकार आई तो पहली बैठक में किसानों का कर्ज होगा माफ। जौनपुर में पीएम ने अखिलेश, राहुल और मायावती पर बोला हमला, कहा नोटबंदी से बुआ जी को भी तकलीफ, भतीजे और भतीजे के यार को भी दिक्कत। पीएम मोदी का गायत्री प्रजापति के बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा हम अच्छा काम करते हैं तो गायत्री मंत्र बोलते हैं, लेकिन एसपी कांग्रेस का गठबंधन गायत्री प्रजापति मंत्र बोलता है। जौनपुर में पीएम ने कहा बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ लोगों का मंत्र है कुछ का साथ कुछ का विकास। पीएम ने बताया जौनपुर की धरती को वीरों की धरती, कहा करता हूं नमन ओआरओपी के नाम, केंद्र की पिछली यूपीए सरकार पर जवानों से धोखे का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर लगाया बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप, कहा यूपी की जेलें बाहुबलियों के लिए बन गई हैं महल। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह पीएम के 3 दिन तक वाराणसी में रुकने पर चुटकी लेने से नहीं चूके, कहा ऐसा लग रहा है कि पीएम सभासदी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी की सड़कों पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो, डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। वाराणसी में अखिलेश राहुल के रोड शो में उमड़ी भीड़, दोनों नेताओं ने किया लोगों का अभिवादन। अखिलेश राहुल के रोड शो में समर्थक खंभों पर चढ़े, छतों पर चढ़कर दोनों नेताओं का हाथ हिलाकर स्वागत किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सड़क मार्ग से गुजरते हुए लोगों का अभिवादन किया, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। अखिलेश राहुल के रोड शो के दौरान मची अफरा तफरी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुए आमने सामने। वाराणसी में अखिलेश राहुल के रोड शो में मुलायम सिंह यादव का पोस्टर गायब, समर्थकों ने अखिलेश यादव के साथ डिंपल का पोस्टर लहराया। वाराणसी में पीएम मोदी के बाद गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, रोड शो के दौरान यूपी को ये साथ पसंद है के लगे नारे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रोड शो में आए समर्थकों का राहुल अखिलेश ने किया स्वागत, फूल बरसाकर लोगों का किया अभिवादन। वाराणसी में पीएम अखिलेश और राहुल की रैलियों में फूलों की बारिश ने खत्म किए शहर भर के फूल, रोड शो के बाद सड़कों पर दिखा खूबसूरत नजारा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो में शामिल हुई डिंपल यादव, समर्थकों का हाथ हिलाकर किया अभिवादन। वाराणसी के गुदौलिया चौराहे से ठीक पहले अखिलेश के साथ जुड़ी पत्नी डिंपल यादव, कार्यकर्ताओं ने भैया और भाभी जिंदाबाद के लगाए नारे। वाराणसी में राहुल अखिलेश की रैली के दौरान समर्थकों ने बीजेपी के झंडे को फाड़ा, दोनों के समर्थकों के बीच झड़प हुई। राहुल अखिलेश का रोड शो पहुंचा गुदौलिया, करीब 10 किलोमीटर लंबा था ये रोड शो। रोड शो के बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर, दोनों ने की पूजा अर्चना। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने विधि विधान से की पूजा, हर हर महादेव से गूंजा पूरा वाराणसी। काशी के विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा राजबब्बर भी रहे मौजूद, महादेव से मांगी जीत की दुआ। बीजेपी नेता चंद्रमोहन ने अखिलेश यादव पर बोला हमला, कहा सीएम अखिलेश ने हार को स्वीकार कर लिया। वाराणसी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी रैली, पीएम अखिलेश और राहुल के रोड शो पर कसा निशाना, बोली हार के डर से सड़कें नाप रहे हैं विरोधी। रैली के मंच से मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा सवाल, कहा कौन है यूपी चुनाव में बीजेपी का सीएम पद का उम्मीदवार, बोली कितना भी जोर लगाएं बीएसपी की ही जीत होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी की हालत खराब, रैलियों में भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। मायावती ने बतौर सीएम अखिलेश के पिछले 5 साल के कामकाज पर भी सवाल उठाए, कहा अधूरी योजनाओं और धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। रोड शो से पहले अखिलेश यादव ने भदोही में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया, पीएम पर बोला हमला, कहा यूपी चुनाव में बीजेपी को अपनी जमीन खिसकने का अंदाजा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 6ठे दौर का मतदान खत्म, पूर्वांचल की 49 सीटों पर हुई वोटिंग, यूपी में दोपहर 3 बजे तक 53% मतदान। यूपी में 6ठे चरण की वोटिंग में फिर गिरा मतदान का प्रतिशत, शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथ पर पहुंचे सिर्फ 57% मतदाता। चुनाव आयोग के मुताबिक कैश और अन्य सामान के अलावा पुलिस की 6 करोड़ की शराब भी जब्त की गई है, कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीनों में भी शिकायत आई। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाला, किया यूपी में बीजेपी की बहुमत से जीत का दावा, वोटर लिस्ट में भी गड़बड़ी का उठाया मुद्दा। यूपी के गोरखपुर में मतदान के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, वोट डालने के लिए 90 साल के बुजुर्ग भी पहुंचे। गोरखपुर में मतदाता सूची में दिखी गड़बड़ी, जिंदा व्यक्ति को दिखाया गया मुर्दा, 75 वर्षीय वृद्ध महिला को वोट देने से रोकने पर हंगामा। यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने भी अपने पैतृक गांव पहुंचकर किया मतदान, अपनी जीत के अलावा समाजवादी पार्टी की जीत का भी दावा किया। आजमगढ़ में आदर्श मतदान केंद्र को गुब्बारे और झालरों से सजाया गया, मतदान करने वालों के लिए शुद्ध पानी का भी किया गया इंतजाम। आजमगढ़ में दलितों के वोट नहीं डालने पर बवाल, दबंगों ने दलितों की पिटाई की, पुलिस की लाठीचार्ज में एक बच्ची सहित 2 लोग जख्मी हो गए।
यूपी के मऊ में मतदान केंद्र के पास जमा भीड़ को पुलिस ने पीटा, कई लोगों को किया गया गिरफ्तार, फर्जी ढंग से मतदान करने की कर रहे थे कोशिश। देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद की गाड़ी सीज कर ली गई, चोरी छुपे चुनाव प्रचार कर रही थी गाड़ी, कार पर लगा था विधानसभा सचिवालय का स्टिकर। गायत्री प्रजापति के विदेश जाने के सभी रास्ते हुए बंद, जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर। गायत्री प्रजापति का पासपोर्ट किया गया कैंसिल, शनिवार को ऑफिस खोलकर हुई ये कार्रवाई, रेप केस में आरोपी हैं गायत्री प्रजापति। मणिपुर में भी 60 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न, उम्मीद से बढ़कर पहले चरण में करीब 80% वोटिंग। मणिपुर चुनाव में इरोम शर्मिला ने भी डाला वोट, सीएम ओमकाराम इबोबी सिंह के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव, पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस पार्टी का किया है गठन। टीएमसी में शिवसेना का समर्थन करेगी बीजेपी, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, जनता के हित में देंगे शिवसेना का साथ। बीजेपी बीएमसी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए नहीं लड़ेगी चुनाव, 8 मार्च को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। 20 साल का गठबंधन तोड़कर बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था बीएमसी चुनाव, बीजेपी को 82 तो शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्ला खां का मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी मानने से इनकार, कहा आतंकवाद फैलाने में हाफिज के शामिल होने के कोई सबूत नहीं। अमेरिका ने H-1B वीजा के प्रीमियम प्रोसेसिंग पर लगाई अस्थायी रोक, 3 अप्रैल से लगने वाली रोक 6 महीने तक रह सकती है। 1 अप्रैल से SBI सेविंग अकाउंट रखना पड़ेगा महंगा, मेट्रो शहरों में मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपए, अर्बन और सेमी अर्बन इलाकों में 3,000 और 2,000 बैलेंस रखना जरूरी। दिल्ली में GST काउंसिल बैठक खत्म, CGST और IGST कानून को मिली मंजूरी। हवाई सफर के दौरान बुरा बर्ताव करने वाले यात्री होंगे ब्लैकलिस्ट, अगली बार नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा। नोटबंदी के बाद टैक्स चोरों पर एक्शन की तैयारी, वेरिफिकेशन नोटिस का जवाब नहीं देने वालों को भेजा जाएगा कानूनी नोटिस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन लड़खड़ाई भारतीय बल्लेबाजी, पहली पारी में 189 पर ऑल आउट। टीम इंडिया पर सलामी जोड़ी का संकट बरकरार, बेंगलुरु में मुकुंद राहुल की जोड़ी जोड़ पाई सिर्फ 11 रन, मुकुंद खाता भी नहीं खोल पाए। दूसरे टेस्ट में भी जारी रही बल्ले से कप्तान विराट कोहली की नाकामी, कोहली 17 रन बनाकर आउट हो गए। ऑकलैंड वनडे में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की सीरीज 3-2 से जीती, वनडे रैंकिंग्स में भी पहले बायतान पर पहुंची टीम। दुबई टेनिस चैंपियनशिप के डबल्स मुकाबलों के फाइनल में पहुंची रोहन बोपन्ना और पोलैंड के मार्सिन मातकोवस्की की जोड़ी, सेमीफाइनल में लियांडर पेस और गार्सिया लुपेस को हराया। सलमान ने रेमो डिसूजा की डांस ड्रामा फिल्म साइन की, अंधेरी के एक स्टूडियो में रेमो के साथ डांस सीख रहे हैं सलमान। सिद्धार्थ और सोनाक्षी की अपकमिंग फिल्म इत्तेफाक के सेट की एक तस्वीर हुई आउट, तस्वीर में दोनों फिल्म के डायरेक्टर अभय चोपड़ा का मुंह दबाए हुए हैं। हॉलीवुड जाना चाहती हैं कैटरीना कैफ, कहा अगर कोई बेहतर ऑफर मिले तो सोचूं।